पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा पांचवी में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग एक, और जिसमें आज का पाठ है हम ही हल करें अपनी समस्याएं, यानी लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, मैं सीएस पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। तो आइए बच्चों, हम ही हल करें अपनी समस्याएं। तो बच्चों, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और इसमें तमाम समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आइए इन समस्याओं के बारे में भी ध्यान से देखें। तो चलिए बच्चों, समस्याएं कौन कौन सी हैं। मेरे परिसर में सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है। सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है मेरे परिसर में। चलिए, एक समस्या ये आपको दिखाई दे रही है। एक दूसरी समस्या देखिए, कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। एक दूसरी समस्या दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं। तीसरी समस्या क्या है, ऐसा लगता है कि विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए, परंतु साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है। दूसरा देखिए, मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहां जमीन का विवाद चल रहा है। राइट, तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, 4 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं और चारों चित्र में अलग अलग समस्याएं दिखाई दे रही। राइट, तो इन समस्याओं को पॉइंट आउट करते हुए चले। राइट, यानी यहाँ पर देखे कहा जा रहा है कि मेरे परिसर में सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है, तो पानी की समस्या यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है और नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। यहाँ पर दूसरे चित्र में इस तरह की समस्या, कूड़ा करकट आप देख पा रहे हैं। तीसरे चित्र में देखिए, विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है, ये समस्या भी एक है। और देखिए, चौथी समस्या यहाँ है, मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहाँ जमीन का विवाद चल रहा है, यानी वो एक अलग समस्या है। इस तरह से तमाम समस्याएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में। बच्चों, हम समस्याओं की बात करें। सार्वजनिक समस्या यानी इश्यूज इन सिविक लाइफ, हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती हैं। यस बच्चों, जैसे यहाँ वहाँ कूड़े करकट की समस्या, यहाँ वहाँ कूड़े करकट की समस्या, इस तरह जो है तमाम प्रकार के प्रदूषणों की बात करते हैं। तो इस तरह सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दिखाई देती हैं, जिन्हें समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है, क्योंकि ये समस्याएं होती हैं और इसलिए समस्याओं के कारण असुविधा होती है। चलिए, तो ऐसे में क्या करना है, और कुछ समस्याओं की बात कर लेते हैं। विवाद का निवारण, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। बच्चों, जैसे हमारे गांव में या शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी समस्या बन सकते हैं। यस बच्चों, तो इस तरह से अगर प्रदूषण की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से जिस जल को प्रदूषित करते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो समस्या की बात करें, लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यानी लगातार जो विवाद होते हैं उसके कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यानी गांव में जो है ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि एकता, बंधुत्व, भाईचारा, इस पे असर आने लगता है और गांव का स्वास्थ्य बिगड़ता है। ऐसे में लोग मिलजुल करके नहीं रह पाते, तो इसका कारण क्या है, विवाद। समस्या निवारण की बात करें बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें बच्चों, हम बात करेंगे हिवरे बाजार की। यानी हिवरे बाजार, अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार नामक छोटे गांव में पानी की बड़ी समस्या। उस गांव के लोगों ने क्या किया, फिर प्रयास किया, उस गांव के लोगों के सहभाग तथा सहयोग से यह समस्या हल हो पाई। तो हम समस्या सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में ये जो हिवरे बाजार है, ये है कहाँ। राइट, तो देखिए, भारत को आप देख पा रहे हैं बाईं ओर, भारत के मानचित्र में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में देखिए बच्चों अहमदनगर, ये अहमदनगर जो आप देख पा रहे हैं, यस,
तो अहमदनगर देखिए, और अहमदनगर में ये है, यहाँ पे है हिवरे बाजार, राइट। तो हिवरे बाजार, ध्यान रखिए, हिवरे बाजार नामक छोटे से गांव में पानी की एक बड़ी समस्या थी, और आखिर में उस बड़ी समस्या को हल करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए, हम इसका अध्ययन करने वाले हैं विस्तार से, हिवरे बाजार की, इस गांव की। हिवरे बाजार में विकास के अथक प्रयास किए गए, राइट बच्चों। तो चेंज ऑफ विलेज इन आदर्श ग्राम बाय कन्वर्टिंग द स्कूल, तो बच्चों जहां पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल बिफोर, यानी पहले का स्कूल, देखिए बच्चों प्राथमिक जो स्कूल था क्या स्थिति थी, और बच्चों आफ्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद देखिए आज हिवरे बाजार में इस तरह का स्कूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले के स्कूल और अब के स्कूल में कितना परसेंट परिवर्तन हो चुका है। सो प्राइमरी स्कूल कन्वर्टेड टू हाई स्कूल, जो पहले प्राइमरी स्कूल था हाई स्कूल हो गया। लिटरेसी जो रेट था बच्चों, वो 30% से बढ़कर 95% हो गया। पहले जहाँ पर 30% लोग जो है साक्षर थे, अब वो बढ़ करके 95% हो गया। यस बच्चों, तो इस तरह से 18 पीपुल डोनेटेड देयर लैंड फॉर स्कूल ग्राउंड एंड बिल्डिंग, यानी 18 लोगों ने अपने जमीन को दिया स्कूल ग्राउंड और बिल्डिंग बनाने के लिए। इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो प्रयास हुआ, द स्कूल बिकेम मॉडल स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, और जो स्कूल है हिवरे बाजार का, ये मॉडल स्कूल बन गया है। यस, यानी जिले का मॉडल स्कूल के रूप में जाना जाता है हिवरे बाजार का ये स्कूल। आई बच्चों, जब हिवरे बाजार की बात करें तो इसके संदर्भ में कुछ और समझ लेते हैं हिवरे बाजार। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर हरियाली की बात करें तो यस देख सकते हैं, निश्चित रूप से अगर हरे भरे सपने की बात जब की जाती है बच्चों, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए हिवरे बाजार जो है वह बिल्कुल तैयार है, और उसने जो प्रयास किया है उसके प्रयासों की सराहना यस सभी लोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्रयास किया। और प्रयास क्या क्या रहा है, आदर्श ग्राम हिवरे बाजार। तो बच्चों दाहिनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, पोपट राव पवार सरपंच हिवरे बाजार, ये स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं पोपट राव पवार, इन्होंने बहुत ही प्रयास किया इसके लिए आदर्श ग्राम हिवरे बाजार, यानी हिवरे बाजार को आदर्श ग्राम बनाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, पानी की समस्या को हल करने के लिए। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरह से जो प्रयास किया गया, और वो प्रयास जो है निश्चित रूप से रंग लाई, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को साफ पानी मिला, लोगों को आगे बढ़ने के लिए यानी उनके बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिली, और उनका स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गाँव में ही ये स्वास्थ्य के लिए जो है अस्पताल की बात करें तो इस तरह की जो व्यवस्था जितना हो सकती थी राइट वहां के लोगों ने मिल करके किया। तो ग्राम संसद, इतना ही नहीं बल्कि ग्राम संसद के रूप में जो है वहां पर देख सकते हैं हिवरे बाजार में ग्राम संसद भी तैयार हुई है, और तरह तरह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा भी यही आदर्श ग्राम संसद की अगर बात करें यहां से कर दी जाती है। तो इस तरह जो है एक सराहनीय प्रयास जो है हिवरे बाजार जो गांव है जिस उसके द्वारा किया गया। हिवरे बाजार के अगर रास्तों की बात करें जिस, तो बच्चों हम आपको दिखाते हैं आदर्श गांव के रूप में जिस, तो अपना गांव साफ सुथरा रखें, और बच्चों इस तरह से अगर स्वच्छता अपनाएंगे तो बीमारी दूर भगाएंगे। तो हिवरे बाजार देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दाहिनी ओर देखिए हिवरे बाजार के अच्छे रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे आप देख सकते हैं। श्रमदान से गांव की सफाई, क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान। बच्चों श्रमदान की अगर बात करें तो श्रमदान बहुत जरूरी है, लोग मिलजुल करके स्वेच्छा से आगे आते हैं और स्वेच्छा से काम करते हैं, और ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा उदाहरण स्क्रीन पर है, उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की। अब बच्चों ध्यान से देखिए, भारत की अगर बात करें, भारत में महाराष्ट्र ये देख पा रहे हैं, और महाराष्ट्र में ये देखिए यहाँ पर जो पीला दिखाई दे रहा है आपको, उस्मानाबाद आपको यस, तो उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गाँव, उस्मानाबाद जिला और वहाँ उसमें खुदावाड़ी गाँव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की। गांव के लोगों ने यह निश्चित किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे।
तो इस तरह से सफाई का काम, स्वच्छता का काम यहाँ पर अच्छी तरह से हो पाया। बच्चों इसके लिए अवेयरनेस की अगर बात करें, अवेयरनेस प्रोग्राम जिस बच्चों चलाया गया उस्मानाबाद जिले में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लोग किस तरह से स्वच्छता अर्थात सफाई के लिए आगे बढ़े और मिलजुल करके जिस स्वच्छता को अपनाया, तो इस तरह से इसे कह सकते हैं बच्चों ये जो सामूहिक प्रयत्न है, मिलजुल करके स्वेच्छा से जो प्रयास करते हैं उसके कारण जो है ये अच्छा एक परिणाम निकल करके आता है। और अगर बच्चों स्वच्छता की बात हो तो संत गाडगे बाबा की जिस याद करते हैं हम, याद आते हैं संत गाडगे बाबा जिन्होंने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। गाडगे बाबा उन्होंने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया कि किस स्वच्छता किस तरह से जरूरी है, अगर स्वच्छता रखेंगे तो आप निरोग रहेंगे यानी रोगों से आप दूर रहेंगे, इसलिए स्वच्छता अपनाना जरूरी है। और स्वतः भी स्वच्छता के संदर्भ में काम किया करते थे और लोगों को इस तरह का संदेश दिया करते थे। बच्चों राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज, राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज इस बच्चों उन्होंने ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा मिलकर करें ग्राम सफाई, नारी नाली मोरी ठौर ठौर, जैसी भी हो सबकी सफाई चारों ओर डगर डगर। तो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का ये कहना था, उनका एक संदेश था, उन्होंने ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है। उन्होंने यही कहा कि मिलकर करें ग्राम सफाई यानी गांव की सफाई सब लोग मिलकर करें, यस नाली मोरी कोई भी स्थान, कोई भी स्थान सब जगह, कोई भी स्थान खाली न रहे, अर्थात सब जगह स्वच्छता करना जरूरी है, छूटना नहीं चाहिए। जैसी भी हो सबकी सफाई चारों ओर डगर डगर, प्रत्येक जगह प्रत्येक रास्ते में चारों ओर सब जगह अगर आप सफाई रखते हैं ये बच्चों, तो स्वच्छता के महत्व को राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ने बताया और ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया है। इस तरह से उनका प्रयास जो है राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का सराहनीय प्रयास कि लोग जो है स्वच्छता के महत्व को समझ सकें। बच्चों शांति स्थापना के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। बच्चों स्वच्छता की बात तो करते ही है, इसके अलावा बच्चों शांति यानी जहां पे आप रहते हैं वहां पर किसी तरह का विवाद ना हो, सब लोग मिल करके रहें और शांतिपूर्वक रहें, इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक को अपनी सुरक्षा की बात करें, जो आवश्यक सुरक्षा है वो मिलनी चाहिए, समाज में किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण रोकना चाहिए और इसके लिए विषमता कम होनी चाहिए, राइट, इसके लिए विषमता कम होनी चाहिए तथा सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर भी मिलना चाहिए। यस, तो प्रत्येक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। यस, तो इस तरह से बच्चों हमने प्रयास किया। आइए हम यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ आपको रिक्त स्थान यानी कथन मिलेगा, समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक, रिक्त स्थान दिया है, हो जाती हैं। बच्चों आपके पास अगर विकल्प नहीं है तो सोचिए समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक क्या हो जाती है। टेस्ट दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, सोचिए। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, विकट। तो अब इसको भर के आपको लिखना है, समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती हैं। यानी बच्चों समस्याओं की ओर, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए उसका क्या उपाय है उसके लिए रास्ते खोजना जरूरी है। और यस, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई उपाय न हो, अर्थात यस, तो इस तरह से समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती हैं, अर्थात बच्चों और अधिक गंभीर हो जाती हैं और फिर उनको सॉल्व करना अर्थात उनका निवारण करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय रहते ही समस्याओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। यस, तो समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती हैं। आइए इसी और देखेंगे, ध्यान से देखें, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है,
परिसर की डैश डैश पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप सोचिए बच्चों, यहाँ पर विकल्प आपके पास नहीं है, तो आप सोचिए परिसर की क्या भरा जा सकता है। परिसर की रिक्त स्थान दिया हुआ है, पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है, तो आप सोचिए यस और अपना उत्तर टैली कीजिए। समस्याएं, यस, तो परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है, यानी जरूरी है कि हमारे परिसर में जहां हम रहते हैं किस प्रकार की समस्याएं हैं, तो परिसर की समस्या पहचानना जरूरी है। तो परिसर, इस तरह से आप लिखेंगे, परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, सत्य या असत्य बताना है आपको। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए हम अभ्यास कर रहे हैं। हिवरे बाजार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है। याद कीजिए बच्चों, हमने हिवरे बाजार की चर्चा की थी। हिवरे बाजार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है। अब याद कीजिए कि क्या ये कथन सही है, तो आपको याद आ गया होगा, अपना उत्तर आप टैली करेंगे। यस, तो देखिए ये कथन सत्य है। यस बच्चों, तो हिवरे बाजार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है, इसकी हमने चर्चा की, देखा आपने। यस, उसके मान प्रतिष्ठा सम्मान उसके प्रयास की। चलिए कथन और देखते हैं, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की। अब याद कीजिए, उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की, तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की, याद कीजिए। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यस, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज बच्चों एक कथन और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। सत्य या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। कथन है, लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है, ये कथन है। तो आप याद कीजिए कि क्या लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता, ये याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी। जिस बच्चों आपको याद आ गया होगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। यस, चलिए अपने उत्तर मिलाइए। यस बच्चों, ये कथन असत्य है। तो असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना भी है। तो सत्य कथन क्या होगा? लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस बच्चों, इस तरह से जो कथन असत्य था उसे सत्य करके लिखना है। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ता है, इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके आप लिखेंगे, राइट। इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।